हमारे चैनल अहमद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए और आप हमारे साथ बने रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही दुखद घटना के बारे में, जो कि अमृतसर में कल हुई थी। कल शाम को जब रावण जलाया जा रहा था, तब वहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ था वो काफ़ी दर्दनाक एक्सीडेंट था और काफ़ी लोग मारे गए उसमें। तो इसमें किसकी गलती है और कौन होगा इसके जिम्मेदार, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। किसकी गलती हो सकती है इसमें, कौन होगा जिम्मेदार, ये सारी चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपना ओपिनियन भी दीजिएगा आप कमेंट में लिख के, कि आपका क्या कहना है इसके बारे में, क्या होना चाहिए था, तो जैसे किसकी समझदारी से इतने लोगों की जान बच सकती थी। तो आप भी कमेंट में लिख के बताइएगा हमें। हम सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं, सभी अमृतसर के लोगों के लिए दुआ करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। जो भी हॉस्पिटल्स में लोग हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। अगर उनको कोई हेल्प की ज़रूरत है और आप हेल्प कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं, तो जल्दी आगे बढ़ के उनकी हेल्प करें, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ती है। हमारी गवर्नमेंट बस अपना पीछे छुड़ाना चाहती है कि किसी तरीके से हम बच जाएं, किसी तरीके से हम निकल जाएं। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है, क्योंकि हम गवर्नमेंट नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, हम वो लोग नहीं है जो चीज़ों से दूर भागते हैं। हम वो लोग हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों के साथ मिलकर उनके साथ रह के उनकी परेशानी को दूर करने जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर किसकी गलती हो सकती थी। तो सबसे पहली बात, रावण वहाँ जो बनाया गया वो 60 फीट का बनाया गया। 60 फीट बहुत होता है। रावण वहाँ जो बनाया गया वो हर साल से इस साल काफ़ी बड़ा बनाया गया, जिससे कि वहाँ के जो लोग थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में आए। जितनी तादाद में आ गए कि जो वहाँ पे ग्राउंड था वो ग्राउंड छोटा पड़ गया। और उसके बाद वहाँ पे पास में एक रेलवे ट्रैक था, एक दीवार हो रखी है, जैसे कि आपने अभी न्यूज़ में देखा भी होगा कि दीवार हो रखी है वहाँ पर, और दीवार के पार रेलवे ट्रैक है। वहाँ पे लोग रेलवे ट्रैक पे बैठने मजबूर हो गए। और यहाँ पे दूसरी गलती क्या थी, दूसरी गलती यह है कि जब पुलिस वालों को पता है हमारे कि वहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, जबकि वहाँ पे सिद्धू जी की वाइफ भी आई हुई हैं, तो सिद्धू जी की वाइफ आई हुई हैं, तो ऐसा तो है नहीं पुलिस वाले नहीं आए होंगे, हमारे पुलिस प्रशासन नहीं आया होगा, पुलिस प्रशासन भी आया होगा, लेकिन ये लोग मना कर रहे हैं कि हमें कुछ खबर नहीं थी, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम अपना पल्ला झाड़ लें और कोई बात हमारे ऊपर ना आए। तो ऐसा तो है नहीं कि सिद्धू जी की वाइफ आई हो तो पुलिस प्रशासन ना आया हो, पुलिस प्रशासन भी आया होगा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया होगा कि यहाँ पे लोग रेलवे ट्रैक बैठे हुए हैं, इस ट्रैक पे ट्रेन आती है और इस ट्रैक पे ऐसा हादसा हो सकता है, पुलिस प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात क्या थी कि वहाँ पर एक LED TV लगाई गई, जिससे कि लोग देख सकें, जो रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं वो लोग देख सकें, क्योंकि वहाँ पे लोगों को पता था, जिन लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था उनको ये पता था वहाँ पे आज ज़्यादा की तादाद में लोग आने वाले हैं, तो लोग हो सकता है कि रेलवे ट्रैक पे बैठे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे दीवार पे LED TV लगाई, जिससे कि जो रेलवे ट्रैक पर लोग बैठे हों उनको दिखाई दे। और इसी वजह से ऐसा हुआ कि लोग रेलवे ट्रैक पर बैठे, उन्होंने LED में देखने की सारी चीज़ें कोशिश की और ये सारा हादसा हुआ। रेलवे डिपार्टमेंट की क्या गलती थी, रेलवे डिपार्टमेंट की गलती यह है कि जब आपको पता है कि वहाँ पे रावण दहन हो रहा है, जब आपको पता है कि वहाँ पे हर साल प्रोग्राम होता है, तो वहाँ से ट्रेन उन्होंने स्लो क्यों नहीं निकाली, इतनी स्लो क्यों नहीं निकाली कि वो ब्रेक मार सकते थे। उनको इतनी कम से कम इतनी स्लो निकालनी थी कि अगर ऐसा कुछ होता तो वो ब्रेक मार लेते या ब्रेक ले लेते। तो रेलवे प्रशासन के पास इतनी जानकारी क्यों नहीं थी। अगर हमारी पुलिस प्रशासन गई है वहाँ पे, हमारे जो पुलिस वाले हैं वो गए हैं वहाँ पे, तो उन्होंने रेलवे प्रशासन को जानकारी क्यों नहीं दी। अगर वो जानकारी दे देते तो आज 60 से 70 लोग, उससे भी ज़्यादा लोग होंगे, कोई 60 से 70 लोग नहीं होंगे, कुछ ट्रेन से मरे हैं, कुछ वैसे भगदड़ में मरे होंगे, कुछ घायल होंगे, तो कम से कम अराउंड 100 लोग तो कम से कम मरे ही होंगे, 100 लोगों का परिवार कम से कम जुड़ा होगा। तो बहुत ही दुख की बात है ये कि 100 लोग से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी पुलिस प्रशासन को, हमारी पॉलिटिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस वो दिखाने के लिए आ जाते हैं कि हमें बहुत दुख है, लेकिन सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स चाहते हैं, सब अपनी अपनी कुर्सी के लिए मरते हैं। तीसरी बात बताई ये जा रही है कि वहाँ पे थोड़ी दूर पे एक फाटक था, फाटक तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है, फाटक था,
अगर वो फाटक वाला भी अगर वहाँ पे सिग्नल दे देता कि आप ट्रेन स्लो कर लो, आगे कोई प्रोग्राम हो रहा है, तब भी हादसा टल सकता था ये। लेकिन वहाँ पे भी ऐसी कोई समझदारी का काम नहीं किया गया। और जो ट्रेन थी, उस ट्रेन की स्पीड बताई जा रही है कि 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से वो ट्रेन आ रही थी। और ये जितना भी पूरा काम हो गया, ये सारा केस और 3 से 5 सेकंड के अंदर सारा केस हुआ है ये। और इसी स्पीड में ट्रेन निकल गई है, और माना यह जा रहा है कि लोगों ने पथराव भी किया ट्रेन के ऊपर। लेकिन जब ट्रेन आ रही होगी तो ट्रेन ने हॉर्न जरूर दिया होगा, लेकिन वहाँ पे जो जो रावण दहन हो रहा था उसके पटाखों की आवाज़ की वजह से हॉर्न सुनाई नहीं दिया लोगों को। और यार लोगों ने रावण देखने चक्कर में ये सारी चीज़ें इग्नोर कर दी, इसी वजह से ये सारा काम हो गया है। लेकिन अगर उस एंड टाइम पे भी लोग देख लेते तब भी कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि 70-80 की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कोई भी ड्राइवर कभी भी कोई भी ट्रेन कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर वो कंट्रोल करता है तब भी हो जाती। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हमारी जो पुलिस प्रशासन चाहती, रेलवे चाहती, तो ये सारी चीज़ें कम हो सकती थी, ये सारी चीज़ें टल सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये सारा हादसा हो गया है, इतना बड़ा हादसा हो गया है। अब जब सिद्धू जी से सवाल किए जा रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। और तो और उनकी वाइफ जो है वो 1 घंटा लेट पहुंची थी। अगर वो 1 घंटा पहले पहुंच जाती तो शायद ये हादसा टल सकता था। क्योंकि ये जितने भी पॉलिटिक्स होते हैं, जितने भी हमारे जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, जितने भी स्टार होते हैं, जो अपने आप को स्टार मानते हैं कि हमें पब्लिक में हमारी कोई इज्जत है, तो वो लोग करते क्या हैं, अक्सर कर उनको जब भी कहीं बुलाया जाता है तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लेट पहुँचते हैं। इसी वजह से वहाँ पर कुछ ना कुछ घटना हो जाती है। क्योंकि अगर जब इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ में तो लोग भी ज़्यादा होंगे और लोगों का हैंडल करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग आपस में ही लड़ जाते हैं, बहुत सारी घटना हो सकती है। लेकिन इन लोगों को शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इन लोगों को टाइम की कोई फिक्र नहीं होती है, इनको अपने टाइम की फिक्र होती है। तो हम लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसका प्रोग्राम ही मत देखो, क्योंकि जब उसको टाइम दिया था उस टाइम पे वो नहीं आया है। तो आप अपने टाइम की भी कीमत समझो, तभी ये सारी चीज़ें टल सकती हैं, तभी इन लोगों को थोड़ी अकल आ सकती है। ये लोग टाइम पे पहुँचे, ये लोग अपनी जगह पे टाइम पे नहीं पहुँचते हैं, तभी वहाँ पे कोई ना कोई घटना हो जाती है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। अगर आपको नहीं पता हो, वैसे आपने काफ़ी लोगों ने न्यूज़ में देख लिया होगा, और आपकी क्या राय है कमेंट पर लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, किस वजह से ये घटना टल सकती थी, कौन होगा जिम्मेदार इसका, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। लास्ट में तो यही होने वाला है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो लोगों को 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये दे देगी। लेकिन कितना ही पैसा दे दो, किसी के घर में जो इंसान था उसकी जो वैल्यू होती है वो कोई पैसा ख़त्म नहीं कर सकता है, उसकी जगह कोई पैसा नहीं ले सकता है। चाहे आप उसको 10 लाख दे दो, चाहे उसको आप 20 लाख दे दो। लेकिन अगर किसी माँ का बेटा होगा तो वो बेटा उसके माँ के लिए जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना उसके लिए पैसा नहीं होता है। अगर किसी की माँ होगी तो किसी बेटे के लिए जितनी उसकी माँ इम्पोर्टेंट होती है वो पैसा नहीं हो सकता है। कभी पैसा किसी माँ की जगह नहीं ले सकता, कभी पैसा किसी बेटे की जगह नहीं ले सकता है। तो आप अपनी राय कमेंट पर लिख के बताइएगा, और हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि अगर आप कुछ उनकी हेल्प कर सकते हैं, अगर हम भी कुछ उनकी हेल्प कर पाएंगे हमारे अमृतसर के दोस्तों के लिए, तो ज़रूर करेंगे। तो आप भी अपना ध्यान रखिए, आने वाली दिवाली पे जो भी आप पटाखे जलाते हैं, जो भी चीज़ें करने वाले हैं, वो बड़े प्यार से करिए, बड़े शांति से करिए, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो, आपके अड़ोस पड़ोस को कोई नुकसान ना हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।